हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ की बुक विस्टास के लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के सेकंड पार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संजीव गोस्वामी आपका सबसे फेवरेट चैनल। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बामा कुड वॉक द डिस्टेंस। बामा दूरी तय कर सकती थी फ्रॉम हर स्कूल टू होम, अपने स्कूल से घर, इन 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट्स में। बट यूजुअली, लेकिन अक्सर, इट टुक हर फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर, उसे आधे से एक घंटा लग जाता था। वाई, क्यों? आंसर देखें। बामा वाज ए यंग गर्ल, बामा एक छोटी लड़की थी, स्टडिंग इन थर्ड क्लास, तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। एज ए चाइल्ड, एक बच्ची के रूप में, शी वाज अट्रैक्टेड, वह आकर्षित होती थी, टू ऑल द एंटरटेनिंग थिंग्स ऑन हर वे, रास्ते में पढ़ने वाली सभी मनोरंजक चीज़ों के प्रति। ऑल न्यू एंड फनी थिंग्स ऑन हर वे, रास्ते में पढ़ने वाली सभी नई और मजाकिया चीज़ें स्टॉप्ड हर, उसे रोक देती थी। एंड शी स्टूड, वह खड़ी हो जाती थी, वॉचिंग देम, उन्हें देखते हुए। हेंस, इसी कारण से, शी गॉट लेट, उसे देर हो जाती थी, इन रीचिंग होम, घर पहुँचने में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वॉट सीम्ड वेरी फनी टू बामा, बामा को क्या बात बड़ी मज़ेदार लगी, वाइल रिटर्निंग होम वन डे, एक दिन घर लौटते समय। आंसर देखें। वाइल रिटर्निंग होम वन डे, घर लौटते समय एक दिन, बामा सा एन एल्डरली पर्सन, बामा ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। ही वॉज कैरिंग अ फूड पैकेट, वह एक भोजन के पैकेट को ले जा रहा था, बाई इट्स स्ट्रिंग, किसी डोरी में पकड़कर, विदाउट टचिंग इट बिना इसे छुए। ही वॉज कीपिंग द पैकेट अवे फ्रॉम हिम, वह पैकेट को स्वयं से दूर रख रहा था। दिस मैनर ऑफ होल्डिंग द पैकेट, पैकेट पकड़ने का ये ढंग, सीम्ड वेरी फनी टू बामा, बामा को बड़ा ही मज़ेदार लगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज बामाज एल्डर ब्रदर नॉट अम्यूज्ड एट द इंसिडेंट टोल्ड बाय हर, का बड़ा भाई उसके द्वारा सुनाई गई घटना से प्रसन्न क्यों नहीं था। बामा टोल्ड, बामा ने बताया, दैट एन एल्डरली पर्सन, एक बुजुर्ग व्यक्ति, ऑफ दियर कास्ट, उनकी जाति का, वाज होल्डिंग अ फूड पैकेट, एक भोजन का पैकेट पकड़े हुए था, इन अ स्ट्रेंज वे, एक अजीब तरीके से। हर ब्रदर न्यू, उसका भाई जानता था, दैट इट वॉज बिकॉज, क्योंकि ये ऐसा इसलिए है, ही वॉन्टेड टू अवॉइड टचिंग द पैकेट, वह पैकेट को छूने से बच रहा था। थिंकिंग अबाउट द ईविल ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की बुराई के बारे में सोचकर, ही वॉज नॉट एम्यूज्ड, वह खुश नहीं था। जन नंबर 4 देखेंगे। वॉट मेड बामा एंग्री, बामा को किस बात पर गुस्सा आ गया। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन भी है जिसका आंसर भी सेम होगा। हाउ डिड बामा फील ऑन नोइंग अबाउट अनटचेबिलिटी, छुआछूत के बारे में जानकर बामा को कैसा अनुभव हुआ। आंसर देखिए। बामाज एल्डर ब्रदर टोल्ड हर, बामा के बड़े भाई ने उसे बताया, अबाउट द ईविल ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की बुराई के बारे में। दिस मेड हर प्रोवोक्ड एंड एंग्री, इस बात से वह बड़ी उत्तेजित भी हुई और क्रोधित भी। शी फेल्ट, उसे लगा, दैट द पीपल ऑफ दियर कास्ट, उसकी जाति के लोगों को, शुड नॉट रन पेटी एरेंड्स, इन छोटे छोटे कामों से बचना चाहिए, ऑफ द सो कॉल्ड अपर कास्ट फेलो, उन लोगों के जिन्हें उच्च जाति का माना जाता है। शी फेल्ट, उसे लगा, दैट द पीपल ऑफ दियर कास्ट, उसकी जाति के लोग, वर डिप्राइव्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, अपने मानव अधिकारों से वंचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द टाइटल वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी इंसान हैं शीर्षक पर चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, द टाइटल, शीर्षक, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी इंसान हैं, रिफर्स टू द प्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ सो कॉल्ड लोअर कास्ट, तथा कथित निम्न जाति के लोगों की बुरी दशा के विषय में है। द पीपल ऑफ सो कॉल्ड अपर कास्ट, तथा कथित ऊंची जाति के लोग, ट्रीट देम, उनसे बर्ताव करते हैं, इन एन इनह्यूमन वे, अमानवीय ढंग से। द टाइटल इम्पेल्स देम नॉट टू स्नैच द ह्यूमन राइट्स ऑफ लोअर कास्ट पीपल, ये शीर्षक उन लोगों को, निची जाति के लोगों के मानवीय अधिकारों को ना छीनने के लिए प्रेरित करता है।
लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इन व्हाट वे, किस ढंग से डिड बामा फाइट, बामा लड़ी अगेंस्ट द स्टिग्मा ऑफ बिलोंगिंग टू अ लोअर कास्ट, निम्न जाति के संबंध रखने के कलंक से। आंसर देखेंगे, बामाज ब्रदर एनकरेज्ड हर, बामा के भाई ने उत्साह बढ़ाया उसका टू स्टडी हार्ड एंड राइज इन पोजिशन, परिश्रम से अध्ययन करने और अपना स्थान ऊंचा करने के लिए। शी डिड द सेम, उसने वही किया, एंड स्टूड फर्स्ट इन क्लास, और कक्षा में प्रथम आई। बिकॉज ऑफ इट, इस कारण से, मैनी पीपल बीकेम हर फ्रेंड, बहुत से लोग उसके दोस्त हो गए। इस प्रकार शी फॉट अगेंस्ट, वह लड़ी विरुद्ध द स्टिग्मा ऑफ बिलोंगिंग टू अ लोअर कास्ट, निम्न जाति से संबंध रखने के कलंक से। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।